नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी। आपका पार्ट 13 है। ये कौन सा है? गद भाग का है। पद नहीं है, गद है, जिसके अंदर कहानियां होती है। उसका पार्ट 13 नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। करुणा मतलब दया, किसके ऊपर? मानव के ऊपर। तो यहाँ पर एक फादर रुके, यहाँ लिखा है फादर रुके, जिनका जन्म 1982 के अंदर हुआ था, उनके बारे में बताए कि वो कैसे एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक बनकर 1982 के अंदर क्या हुए थे, अपने ताबूत में ले गए और उनका देहांत हो गया। यह किससे ली गई है? संस्मरण स्मृतियों से ली गई है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, यह कहानी किसने लिखी? तो हमारे लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने ये कहानी को लिखा है। वो कहानी किसके बारे में थी? फादर भुलके के बारे में। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका जन्म 1927 में कहाँ हुआ था? जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उन्होंने कौन कौन सी अलग कृतियां लिखी थी? तो देखो, वो क्या थे? एक साहित्यकार भी थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा और कहानी। तो मैंने यहाँ पर देखो, कांत की गतिया, कुआनों की नदी, जंगल का दर्द, ये तो उन्होंने कविता लिखी थी। मतलब ये लेखक के साथ साथ क्या थे? कवि भी थे। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उन्होंने उपन्यास लिखे थे। लड़ाई कहानी लिखी थी, उसी के साथ साथ मानवीय करुणा की दिव्य चमक भी उन्होंने कहानी लिखी। बकरी, ये क्या है? एक नाटक है। तो ये साहित्यकार भी थे, ये लेखक के साथ साथ कवि भी थे, ठीक है। अब वो क्या करते थे? जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, उन्होंने जो मध्यम वर्गीय परिवार होते, उन्होंने समाज के अंदर क्या क्या उनका शोषण होता था, कैसे होता, उनके बारे में वो क्या करते थे? अपने कहानियों और के माध्यम से लिखते थे। इस कहानी में उन्होंने फादर भुलके के बारे में लिखा कि फादर भुलके कौन थे? भारतीय नहीं थे, वो साधु का जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत किया था, उनके घर परिवार में सब लोग थे, फिर भी जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके मन में आया मुझे सन्यास लेना। तो वो क्या थे? पादरी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? यूरोप में एक जगह है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनके मन में आया मैं सन्यासी बनकर कहाँ जाऊँ? भारत जाऊँ। तो वो सन्यासी बनकर अपनी जन्मभूमि से क्या हुए? भारत आ गए। और यहाँ आकर उन्होंने कैसे लोगों के साथ अपना व्यवहार किया, कैसे वो साधु बने, उनके बारे में हम क्या करेंगे? आगे इस कहानी में पढ़ेंगे। कुछ शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखे, जैसे जहरबाद। जहरबाद क्या होता है? जहरीला फोड़ा होता है। फोड़ा मतलब समझते हो ना, फुंसी होती। वो हो रखी थी फादर भुलके को। आस्था, आस्था मतलब क्या होता है? विश्वास या श्रद्धा। आतुर, उत्सुक होना। आवेश मतलब जोश के अंदर। विरल, कम मिलने वाला। विरल मतलब जो चीजें बहुत कम मिलती हो। ताबूत, शव ले जाने वाला संदूक। आपने देखा है ना, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, पादरी वगैरह, उनको ऐसे लकड़ी के बॉक्स में ले जाया जाता है कब्रिस्तान के अंदर। धर्माचार मतलब धर्म का पालन करने वाले। लबालब, लबालब मतलब क्या होता है? भरा हुआ। तो वो जो फादर भुलके थे, वो अपनी करुणा से क्या थे? लबालब भरे हुए। तो आइए हम क्या करें, इस कहानी के बारे में पढ़ते। उससे पहले आप ये इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अभी मैंने आपको यहाँ पर लेखक के बारे में बताया और इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे इस कहानी में उसके बारे में बताया था। किसके बारे में? फादर भुलके के बारे में, कि फादर भुलके कितने अच्छे व्यक्ति थे। अब हम पढ़ते हैं, फादर को जहरबाद में नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद का मतलब होता है कि जहरीला फोड़ा। जो जहरबाद है उसका मतलब क्या होता है? जहरीला फोड़ा। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों है? अब विधान बोल रहे हैं, मतलब जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि जो फादर भुलके थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सबके लिए उनके शरीर में, मतलब उनके तन मन में मिठास थी, तो उनके लिए इस तरह का जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? हम कौन से ईश्वर से पूछे कि आपने उनको ऐसा जहरबाद क्यों दिया? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। कौन? फादर भुलके क्या करते थे? प्रभु के अस्तित्व पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? उम्र की आखिरी देह मतलब जब हम बूढ़े हो जाए, मरने वाले, तो वो ये परीक्षा क्यों दे? ये यातना मतलब ये दुख क्यों सहे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौके से ढकी आकृति सामने है। एक लंबी मतलब वो क्या थे? लंबे थे। पादरी आपने देखा है ना, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनके पादरी होते वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते। गोरा रंग था उनका, रंग कैसा था? गोरा। सफ़ेद जाई मारती हुई बुरी दाढ़ी। अब उनकी क्या थी? दाढ़ी थी उनकी। मुख पर कौन से रंग की? बुरी। नीली आँखें, बाहें खोल, गले
लगाने को आतुर। क्या है उनकी जो नीली उनकी आंखों का कलर कैसा था, नीला था रंग, ऐसा लग रहा था। और अपनी बाहों को खोलकर हमेशा दूसरों को गले लगाने के आतुर, आतुर मतलब उत्सुक रहते थे। इतनी ममता इतना अपनत्व इस साधु ने अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। अब वो बोल रहे कि इतनी ममता, जैसे हमारी माँ का हमारे प्रति ममता वाला भाव होता है, उसी तरह इतनी ममता थी उनके अंदर, अपनत्व का भाव था। वो साधु होते हुए भी क्या कर रहे थे, उन्होंने संन्यास लिया था, वो साधु होते हुए उनके जितने भी प्रियजन हैं जो उनसे बहुत प्यार करते थे, सबके लिए वो क्या करते थे, प्रेम को उमड़ाते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी, लेखक बोल रहा है कि मैं 35 साल से उनके साथ ही था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, जब वह इलाहाबाद में थे तब भी मैं उनके साथ था और जब वह दिल्ली आते थे तब भी। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब वो हमसे गले मिलते थे तो वो एहसास, दबाव मतलब वो एहसास आज भी मैं क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब ये बोल रहे हैं कि उदास संगीत, आप देखते हो ना, हम जब उदास संगीत सुनते हैं तो हमको क्या लगता है कि जैसे हमारे जीवन से सब कुछ चला गया। उदास संगीत मतलब शांत संगीत, तो इनका जो कहानी है वो सुनना हमको किसी उदास शांत संगीत के बराबर लगता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा, वो क्या बोल रहे हैं, उनको देखना, उनकी तस्वीर देखना, करुणा मतलब प्रेम दया का जो निर्मल जल होता है उसमें तैरने जैसा है। और उनके बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, और उनके बारे में बात करना हमको हमारे कर्म के प्रति संकल्प याद दिलाते हैं। मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर भूलके थे। अब वो बोलते हैं परिमल जहाँ वो रहते थे उनके दिन उनको याद आते हैं, जब कौन फादर भूल के हमारे साथ थे, हमसे बड़े थे, हम एक परिवार के रूप में रहते थे। हमारे हंसी मजाक से वह निर्लिप्त शामिल रहते, निर्लिप्त मतलब क्या होता है, जो लिप्त ना हो, आसक्त थे मतलब हमारे हंसी मजाक में हमारे साथ रहते थे। हमारी गोष्ठियाँ मतलब जो हम बातचीत करते थे, गोष्ठियाँ मतलब जो तर्क देते थे, जो बातचीत करते थे उसके ऊपर वो हमसे गंभीर बहस करते थे, और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। बेबाक राय मतलब जो सही राय होती थी वो देते थे और हमको सुझाव देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो अपने हमें अपने आशीषों से भर देते थे। वो सन्यासी होते हुए भी क्या करते, हमारे उत्सव मतलब कोई त्यौहार आ जाए, घर में कोई अच्छा सा काम हो, तो वो बड़े भाई की तरह हमारे घर पर आकर हमको क्या करते थे, आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। मेरे को मेरा बच्चा याद आता है, जब फादर भूलके ने क्या किया था, पहली बार उसके मुख में क्या डाला था, अन्न डाला था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो, और उनकी आंखों में जो चमक थी, वात्सल्य मतलब जो प्रेम था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे देवदारू की छाया मतलब अपने बड़ों की छाया, जैसे आपके आपके पर आपके मम्मी पापा की छत्र छाया होती है, वैसी मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी बड़ा पेड़ देवदारू का उसकी छाया में मैं खड़ा हूँ। कहाँ से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो वो अब कहानी बताते हैं कि इलाहाबाद की जो सड़कें थी वहाँ पर जो फादर भूलके थे वो क्या लेकर चलते थे, साइकिल लेके। वो हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराते हुए उतरते थे, वो साइकिल लेके हमारे पास आते थे और फिर हंसते हंसते साइकिल पे से उतरते थे। देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनके क्रोध में कभी नहीं देखा, देखो देखो मैंने किसको देखा, फादर भूलके को। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो कभी भी क्रोध में नहीं होते थे, उनको क्रोध कभी भी नहीं आता। आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया, मैंने कभी भी उनको क्रोध के आवेश में नहीं देखा, मैंने हमेशा उनको ममता और दूसरों के प्रति प्यार में लबालब मतलब बहुत अधिक छलकता हुआ देखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई एक बहन माँ पिता सभी थे। अब वो क्या कहाँ के थे, भारतवासी नहीं थे, मैंने आपको बताया था ना वो बेल्जियम के थे, यूरोप में जो बेल्जियम जगह वहाँ के थे। जब वह इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं भारत जाऊँगा, सन्यासी बनूँगा। उनके पास उनका पूरा परिवार था, भाई भी थे, एक बहन भी थी, माँ भी थे, पिता भी थे, सभी होते हुए भी उन्होंने क्या किया, सन्यासी जीवन
ग्रहण किया। देखो ये हमारे फादर कामिल बुल्के, उनका पूरा नाम क्या है, फादर कामिल बुल्के, ये उनकी फोटो, वो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है, वो बोल रहे हैं। फिर लेखक उनसे पूछता है आपको आपके देश की याद नहीं आती? तो फादर बुल्के क्या बोलते हैं, अब मेरा देश क्या है, भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, जन्मभूमि मतलब जहाँ आपने जन्म लिया है, कहाँ, यूरोप में बेल्जियम, उसकी याद नहीं आती? हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। देखो बेल्जियम में एक जगह है जिसका नाम है रैम्स चैपल, वहाँ उनका जन्म हुआ था। घर में किसकी याद आती है? तो वो बोलते हैं मुझे मेरे घर में खाली किसकी याद आती है, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। आपको भी आपके मम्मी कहीं चली जाती तो आपको याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है, और फिर वो क्या करते थे, बात करते करते अपनी माँ की स्मृति मतलब यादों में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, चिट्ठियाँ मतलब वो क्या है, पत्र लिखते थे अपनी माँ, उनकी माँ उनको पत्र लिखती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनका एक मित्र था जिसका नाम क्या था, डॉक्टर रघुवंश। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, उनको अपने पिता और अपने भाइयों के प्रति कोई लगाव नहीं था। पिता क्या थे, व्यवसायी थे, मतलब उनका व्यवसाय था। एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता और उसका परिवार है। देखो एक तो वहाँ पर कहाँ पर रेस्ट चैपल में पादरी बन गया, और एक क्या था, काम करता था और उसका पूरा परिवार था। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, मतलब कठोर थी और बहुत ज़िद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। उन्होंने देखा था कि जो लेखक थे, उन्होंने कहा उनको अपनी बहन की शादी की चिंता थी, पर वो एकाध बार थी। भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे, और जब वो भारत आए उसके बाद वो एक या दो बार ही कहाँ गए थे, अपने परिवार से मिलने बेल्जियम। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? फिर लेखक बोलते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, आप ये सब छोड़कर, घर संसार छोड़कर क्यों आए? प्रभु की इच्छा थी, फादर बुल्के बोलते हैं इसमें ईश्वर की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। फिर वो बोलते हैं वो सरलता से, मतलब बिना क्रोध के शांति से बोलते हैं कि मेरी मम्मी ने तो क्या कहा था, मेरी माँ ने, कि ये लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी माँ का कहना सच हो जाए, जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने पढ़ाई छोड़कर क्या कर दिया, कहाँ चले गए, पढ़ाई छोड़कर सन्यास लेने, और जो उनके धर्म गुरु थे उनके पास गए। अब सन्यासी की क्या होती है, एक शर्त होती, तो उन्होंने क्या शर्त रखी कि मैं सन्यासी बनने के बाद कहाँ जाऊँगा, भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी, अब भारत आने की बात क्यों उठी, वो वहाँ पर भी तो रह सकते थे, बेल्जियम में, रेस्ट चैपल में, यूरोप में, जहाँ उनका जन्म हुआ। नहीं जानता, बस मन में यही था, बोले मुझे नहीं पता, बस मेरे मन में यही आया कि मैं सन्यासी बनकर कहाँ जाऊँ, भारत जाऊँ। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ से 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर उन्होंने क्या किया, एक जिसेट संघ था उनका, ये क्रिश्चियन थे, तो वहाँ उन्होंने पादरी की पढ़ाई की 2 साल। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर दार्जिलिंग में उन्होंने 9-10 वर्ष पढ़ा, कोलकाता से बीए किया। फिर उन्होंने क्या किया, कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा उत्पत्ति और विकास। अब देखो उन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट है, एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय, तो हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने 1950 के अंदर जो रामकथा थी उसको पूरा किया। क्या नाम रखा, रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे, और जो परिमल था उन्होंने जो अध्याय लिखे थे उनके बारे में पढ़ा गया। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया। अब ये बोल रहे हैं कि मातरलिंग नामक एक क्या है, नाटक है, उसका नाम क्या है, ब्लू बर्ड, उसका रूपांतरण भी हिंदी में किया। नील पंछी के नाम से, देखो
ब्लू बर्ड, तो ब्लू का मतलब क्या होता है नीला, बर्ड मतलब पक्षी, दोनों हिंदी में क्या नाम दिया नील पक्षी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। बाद में वो कहाँ हो गए, जो सेवियर्स कॉलेज थी उसके अंदर। यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, अंग्रेजी हिंदी कोश मतलब डिक्शनरी तैयार की, और बाइबल का अनुवाद भी किया, जो बाइबल थी उसका भी अनुवाद किया, और वही बीमार पड़े, और वो क्या हो गए बीमार पड़े, और वहाँ से पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, अब वो कितना मतलब तय 47 ईयर, 47 वर्ष तो वो इस देश में रहे कहाँ भारत में, और कितने साल तक जिए 73 साल तक। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं सन्यासी बनूंगा। कभी लगता था वह मन से सन्यासी नहीं थे, उनका मन बहुत चंचल था। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, वो जिससे रिश्ता बनाते थे कभी उससे तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी घन महसूस होती थी, दसियों साल मतलब 10 साल बाद भी यदि वो किसी से मिलते थे तो वह उनको आसानी से पहचान जाते थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते। वो बोलते जब भी वो दिल्ली आते थे तो वो हमसे मिलने आते थे, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, वो हमसे मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए भी मिलते। हर मंच में इसकी तकलीफ बयां, यह कौन सन्यासी करता है, ऐसा कोई सन्यासी करता है, आपने ऐसा कोई सन्यासी देखा है जो अगर आप किसी के पास जाते हो तो 10 वर्ष बाद भी वो आपको मिले, ऐसा कोई करता नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखनी थी, और उनकी क्या चिंता थी, देखो बेटा वो हमारे देश के ना होते हुए भी उनकी क्या चिंता थी कि वो हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखे। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, और जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ वो कहते थे कि भाई हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर पर दुख करते हुए पाए, बस इसी पर झुंझलाते मतलब क्रोध करके हुए देखा कि हिंदी भाषी होते हुए भी आप हिंदी की उपेक्षा कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। वो हर किसी से क्या करते थे, घर परिवार के बारे में पूछते थे, उनकी जो निजी तकलीफ है उनके बारे में पूछते थे, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो गहरी तपस्या में जन्मती थी। और उनके जो दो शब्द थे वो एक सांत्वना, सांत्वना मतलब किसी को बहुत प्रेम से बोलना, सांत्वना देना, उनके वो दो शब्द सांत्वना के भी हमको बहुत अच्छे लगते थे। हर मौत दिखाती है जीवन की नहीं रहा, अब हर एक मौत मतलब हम क्या आ गए, हम इस दुनिया में आए तो एक ना दिन हमको मरना ही है, तो हर कोई मौत हमको एक नहीं रहा दिखाती। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। मुझे मेरे पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, उस समय जो फादर बुलके ने सांत्वना के लिए जो मुझे शब्द कहे थे वो मुझे अभी याद आ रहे। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, देखो वो अभी नहीं है, कहाँ है दिल्ली में, बहुत बीमार है। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, अब क्यों, वो बीमार है तो हमको कैसे गले लगाएंगे। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों से सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी है, अब वो क्यों बाहें खोलकर हमको नहीं गले लगा रहे, क्यों, क्योंकि वो जो दोनों हाथ है वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, और किस में है, ताबूत। तो आपने देखा है बेटा जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनको ताबूत के अंदर रखकर दफनाया जाता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थीर थी, और वो वही शांति अभी भी उनके चेहरे पर थी। तरलता जम गई थी, तरलता जम जाना मतलब वो किसी से बात नहीं कर सकते थे। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब उनकी मृत्यु हुई, तब का क्या समय था, 18 अगस्त 1982। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। देखो कश्मीरी गेट नाम है, दिल्ली में एक जगह है वहाँ पर क्या कब्रिस्तान है जहाँ उनको दफनाया जाना था, तो उनके ताबूत को एक छोटी नीली गाड़ी से उतारा। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, मतलब वहाँ के जो पादरी थे, जो उनका मित्र था रघुवंश, वो सब।
फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। फिर उनको वहां से उतार कर, आप भी देखते हो ना, कोई मृत्यु हो जाती तो हमारे घर से उठाकर हम उसको ले जाते शमशान तक, तो उनको कब्रगाह तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुख खोले बैठी थी। अवाक मुख खोले बैठना मतलब कब्र खुदी हुई थी उनको अपने में समाने के लिए। ऊपर करील की घनी छांव थी, करील क्या है, वृक्ष, चारों ओर कब्रों और तेज धूप के व्रत, मतलब चारों तरफ क्या है, कब्रिस्तान में तो बेटा कब्र ही होती। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और महिषी समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन, पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख के किनी। अब देखो, ये सारे ही लोग जब फादर बुलके की मृत्यु हुई तो वहाँ पर थे और वो इतने दुखी थे कि वो वहाँ पर क्या थे, खामोश खड़े थे, किसी अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अब उनको बहुत दुख होगा, उनका मित्र इतना अच्छा था, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ, और चारों लोग क्या हो गए, ये जितने भी लोग थे वो सब उनके चारों तरफ खड़े हो गए। फादर की देह पहले कब्र में ऊपर लिटाई गई, पहले देखो ताबूत से कब्र में लिटाई गई, मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ, मतलब जो उनकी विधि थी उनसे उनका अंतिम संस्कार हुआ रांची के फादर पास्कल तोयानो के द्वारा। और वो कौन थे, पास्कल तोयानो, जिन्होंने वो विधि पढ़ी थी, उन्होंने हिंदी में महिषी विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुलके धरती में जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के लिए सारी प्रार्थना हो गई, सारी विधियाँ हो गई, जैसे हम भी बोलते हैं ना कुछ अच्छे वचन, ऐसे फादर ने कहा कि जो फादर बुल के हैं वो कहाँ जा रहे हैं, धरती पर जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा, और मैं चाहता हूँ जैसे फादर बुल के हमारे लिए एक रत्न थे, वैसे ये भी एक और नए रत्न को पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। फिर उनका जो शरीर था उसको कब्र में रख दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। बोले मुझे नहीं पता कि इन्होंने सोचा था कि मेरी मृत्यु पर कोई रोएगा या नहीं, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। देखो, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने के जैसा, स्याही फैल जाती है तो आप उसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, तो वैसे वहाँ पर इतने करोड़ों लोग जो नम आँखों पर थे उनके बूंदों को हम गिन नहीं सकते थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, हमारे को वो छोड़कर चले गए। हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता खड़ा हुआ। देखो, वो मानव के लिए करुणामय थे, सबसे अच्छे थे, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। जैसे आप देखते हो ना, कोई अग्नि हमेशा जलती रहती, वो हमारे मन के अंदर एक दीपक के रूप में हमेशा जलते रहेंगे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। और वो भी क्या करते, लेखक भी उनको क्या करते, श्रद्धांजलि देते। तो आपको समझ में आया ना कि फादर फूल के जो थे वो कितने अच्छे थे, लोग उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे और क्या करते थे। उनका जब उनकी मृत्यु हुई तो सबको बहुत दुख हुआ, जो उनके साथी थे है ना, उन सभी को दुख हुआ। तो आपको समझ में आया कि फादर बुलके को क्यों मानवीय करुणा की चमक कहा जाता था। धन्यवाद।